मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, नौजवानों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कोई बताए मुझे, आप बताए मुझे, इस मोहब्बत, इस खलूस और इस प्यार और इश्क का मैं कैसे जवाब दूं? कभी कभी सोचता हूं, और आज तो बहुत सोच रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं मैं, और आज बहुत सोच रहा हूं कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बताएं, क्यों करते हैं आप मुझसे मोहब्बत? दरअसल ना आप बता सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे जिस पर मुझे नाज है, फख्र है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए खिदमत की है। उस खिदमत के सिले में मैं आज उनकी आंखों में और चेहरों पर मोहब्बत देख रहा हूं। ये मैंने ठीक बात कही या नहीं ठीक कही? अगर मैंने कुछ किया ना होता, जैसे कि पिछले 4 साल में हुकूमत को आपने देखा है, अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आप मेरी परवाह भी ना करते, और आप इस तरह की खुशी का इजहार कभी ना करते। इस तरह की मोहब्बत मैं ना देखता आज, इस तरह का प्यार, इस तरह का इश्क मैं ना कभी देखता। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। यकीन मानो, मैं दिल से कह रहा हूं ये बात, ये बात मेरे दिल से निकल रही है, और मेरा दिल चाहता कि मैं आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी तवक्को आप मुझसे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी, और सजा देने वाले एक एक करके, वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो भी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर, और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के कैसे जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है।
ये जो गाना गाया है या तराना गाया है, मैं भाई पहले भी मैंने खुलूस के साथ कोशिश की, मैं इंशाल्लाह आइंदा भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देख रहा हूं। मुझे बहुत दुख है भाई, मुझे सुन लिया, अब छोड़ नहीं, मैं 2 मिनट और बात करूंगा, फिर ये मरियम करेंगी बात, जरा 2 मिनट मेरी बात, आप खामोश खामोश। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, सलाम। एक दफा मेरी सलाम का जवाब दे दे फिर चुप हो जाए। मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ और दिल से करता हूँ, दिल से पेश कर रहा हूँ, और आपका मुंह चूमना चाहता हूँ, माथा चूमना चाहता हूँ। सिर्फ इस बात का पूछना है, सवाल पूछना है, नवाज शरीफ का सुन ले, नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, खानदान सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की, और नान 25-30 रुपए का। आज 20 रुपए में, उस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, और आज 20 रुपए की 1 रोटी है या नहीं है, बोलो भाई। वो जमाना कहां चला गया, कौन ले गया उस जमाने को, कहां ले गया उसको, अब कैसे वापस लाए, उसको वापस लाना है। आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है, वो अल्लाह की जात देगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। इनके घरों को संवारना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है, इनको बाइज्जत पाकिस्तानी बनाना है, अपने मुल्क को ऊपर उठाना है, सबस झंडे की इज्जत करवाना है, सबस पासपोर्ट की इज्जत करवाना है, अपने मुल्क को एक गैरतमंद खुददार मुल्क बनाना है। ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, इंशाल्लाह इसका पूरा होना है, ये पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। इन बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को बाइज्जत रोजगार इनके हाथों में पकड़ाना है। आप नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देना है इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, अगर नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती, आज आप बेरोजगार ना होते। जरा हाथ खड़ा करके बताएं कितने बेरोजगार हैं, बेरोजगार हाथ खड़ा करके बताएं कितने हैं बेरोजगार। मैं सच कहता हूं आपसे, आप में से कोई एक भी बेरोजगार ना होता, हर एक के हाथ में एक बाइज्जत रोजगार होता, हर एक इंसान खुशहाल होता, घराना खुशहाल होता। ये मैं आपसे दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, अपने अल्लाह के फजल करम से। बहुत पीछे रह गए हम, बड़े जख्म खाए हैं हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुवत बाकी नहीं रह गई। आपने इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का साथ देना है, और ये है बिलाल, ये बिलाल खड़ा है मेरे सामने, और ये है मरहूब खड़ा है मेरे दाएं पे, और ये मरियम है, मरियम नवाज शरीफ, ये मरियम औरंगजेब है, देख लो ये खड़ी है, आप टीवी पे देखते ना, टीवी पे देखते हैं कि नहीं देखते इसको, ये मरियम औरंगजेब है।
बस तो मैं इन साथियों की वसादत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये कौम इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बनेगी, खुशहाल तरीन कौम बनेगी, एक बाइज़त कौम बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत है। हम इंशाअल्लाह अपना मकाम हासिल करेंगे, दुनिया के अंदर इज्जत का मकाम हासिल करेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपको खुश रखे, इन बच्चों को खुश रखे, बच्चियों को खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घरों को सलामत रखे, आबाद रखे। और इंशाअल्लाह फिर आपसे, आज मैं अपने हल्के में आया हूँ, हल्के में, ये मेरा हल्का है, ये सब मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। आप मेरे वोटर हो ना, मेरे सपोर्टर हो ना। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आज ये खासुल खास नवाज शरीफ का है। खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। मरियम आएगी और तकलीर करेगी। तशरीफ लाते हैं बहादुर, बाप की बहादुर।